हेलो एवरीवन, मेरा नाम उस्मान मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ITS गुजरात। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव का जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको यूज़ करते हुए फायर बेस की जो स्टोरेज है उसके ऊपर इमेजेस को कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास रिएक्ट नेटिव में एक पैकेज है जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। सबसे पहले हम लोग उसको यूज़ करने का तरीका देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो फायरबेस स्टोरेज जो है उसकी एक एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे और देन हम लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट में एक सक्सेसफुल कोड लिखेंगे जो रिएक्ट नेटिव से जो है वो डाटा को अपलोड करवाएगा, इमेज को अपलोड करवाएगा फायरबेस स्टोरेज पे। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक यहाँ पे बटन बना लेंगे, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन में आप लोग देख रहे हैं कि फूड आइटम नज़र आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसको जो है वो स्टैटिक बनाया हुआ है, अब हम इसको डायनामिक करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फूड आइटम जो है जिसकी पिक्चर, उसका टाइटल, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले खुद से जो है वो डेटाबेस में यहाँ से ऐड करवाएंगे। उसके अंदर हमारे पास जो है वो ऐड डाटा का जो काम है ये हम लोग पहले से करवा चुके हुए हैं, लेकिन आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग इमेज को अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो ओके, सबसे पहले हम लोग अपने होम स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिखवाया है आवर फूड आइटम्स, यहाँ पे हम लोग एक नया बटन क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये हम लोगों ने आवर फूड आइटम्स को जो है वो हम लोगों ने कैटेगरीज का जो है वो एक कंपोनेंट हमने बनाया था उसमें हम लोगों ने इसको ऐड किया। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने अरे क्रिएट की थी जिसमें हम लोगों ने स्टैटिकली जो है वो अपना डाटा ऐड किया हुआ है। आज हम लोग इसको डायनामिक बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस स्क्रोल व्यू को जो है वो मैं कट करके यहाँ पे सेफ एरिया व्यू जो है वो एक क्रिएट करवा लूँगा, सेफ एरिया व्यू, और इसको हम लोग जो है वो इंपोर्ट करवा लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। पहले इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेंगे और सेफ एरिया व्यू को जो है वो हम लोग टॉप पे देखेंगे अगर हम लोग इसको ऐड कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है इसको कॉपी करेंगे और ऐड करवा लेंगे। तो सबसे पहले मैं सेफ एरिया के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है आवर फूड आइटम्स, यहाँ पे हम लोग एक टचेबल ओपेसिटी बना लेंगे, टचेबल ओपेसिटी, और इसके अंदर हम लोग एक टेक्स्ट राइट करवाएंगे टेक्स्ट, और इसमें हम लोग लिखेंगे ऐड न्यू फूड आइटम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक दफ़ा अपने प्रोजेक्ट को रीलोड करवा देंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट को रीलोड करवाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू फूड आइटम्स जो है वो लिखा हुआ आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करवा लेंगे, इसके ऊपर एक स्टाइल अप्लाई किया है जिसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ और उसके अलावा जो है वो इसके ऊपर हमने अलाइनमेंट्स इसकी जो है वो सेट करवा ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग एक न्यू स्क्रीन पर मूव करेंगे। उससे पहले मैं इस स्क्रीन को क्रिएट करवा लूँगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ऐड न्यू कैटेगरी .js। ये हम लोगों ने एक स्क्रीन क्रिएट कर लिया है, इसको हम लोग जो है वो रिएक्ट नेटिव से जो है वो हम लोग इसको जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये स्क्रीन क्रिएट करवा लिया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो app.js में एक दफ़ा लिंक भी करवा लेंगे ताकि हम लोग इसको सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे गेट कर सके। तो यहाँ पे मैं इसको राइट करने जा रहा हूँ और हम लोग इसकी जो नेविगेशन है वो यहाँ पे परफॉर्म करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो अपने होम पेज पे जो है वो मूव करेंगे, सॉरी कैटेगरीज के कंपोनेंट पे मूव करेंगे और कैटेगरीज के कंपोनेंट पे आके हम लोग जो है वो सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, ऑन प्रेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं नेविगेशन। ओके, अभी एक चीज़ आप लोग देखें कि नेविगेशन जो है वो स्क्रीन टू स्क्रीन होती है, लेकिन अगर आप लोग कंपोनेंट टू स्क्रीन नेविगेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है वो नेविगेशन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग कंपोनेंट्स को कभी भी app.js में जो है वो स्टैक में नहीं रख रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे const navigation इज इक्वल टू यूज नेविगेशन। हमारे पास यूज़ नेविगेशन का जो एक हम लोगों ने जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंपोर्ट करवा लिया है फ्रॉम रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव से। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नेविगेशन लिखा, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसी फंक्शन से हम लोगों ने नेविगेशन को क्रिएट करवा लिया। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन प्रेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जो है वो लिख लेंगे नेविगेशन डॉट नेविगेट
एंड इसमें हम लोग जो है वो अपनी उस स्क्रीन का नाम लिखेंगे जिस स्क्रीन पे हम लोग जो है वो नेविगेट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये स्क्रीन पे मूव करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस अपना करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड न्यू फूड आइटम पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो हमारी स्क्रीन है ऐड न्यू कैटेगरी की, हम लोगों ने इसको जो है वो ओपन कर लिया। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जस्ट टू थिंग्स हम लोग जो है यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं। एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे जो है वो अपनी इमेज को अपलोड करवाएंगे, और सेकेंडली हम लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो फायर स्टोर के अंदर जो है वो अपनी एक कलेक्शन बना लेंगे कैटेगरीज के नाम से, उसके अंदर हम लोग जो है वो अपनी कैटेगरीज भी ऐड करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐड न्यू कैटेगरी वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पे जो है वो मैं इसको डिज़ाइन जो है वो नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टचेबल ओपेसिटी, टचेबल, हाँ टचेबल ओपेसिटी जो है वो हम लोग एक ऐड करवा लेंगे जैसे हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे जो है वो क्रिएट की थी। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद हम लोग जो है वो ऐड न्यू पे भी इसको ऐड कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करना होगा अपना जो है वो रिएक्ट नेटिव से। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको इम्पोर्ट कर लिया, अभी हम लोग इस स्क्रीन पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया और अब हम लोग जो है वो मूव करने जा रहे हैं ऐड न्यू फूड आइटम पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऐड न्यू फूड आइटम जो है वो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन को हम लोग कह देंगे यहाँ पे चूज आ पिक्चर, चूज पिक्चर, यहाँ से हम लोग पिक्चर को जो है वो चूज करवा लेंगे और देन हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर हम लोग जो है वो अपना जो रिएक्ट नेटिव का एक पैकेज है हमारे पास इसको ऐड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो टचेबल ओपेसिटी ऐड कर ली है, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट इनपुट को भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो टेक्स्ट इनपुट को ऐड करवा लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पेपर से, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेबल, लेबल और लेबल की जो वैल्यू है उस पर हम लोग लिख लेंगे एड टाइटल, यहाँ पे हम लोग डबल कोटेशन में लिख लेंगे एड टाइटल। एंड देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, बल्कि एक नहीं हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेंगी, यू स्टेट। एंड यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करने जा रहे हैं, कॉन्स सबसे पहले जो है वो हम लोग टाइटल की स्टेट सेट कर देंगे, सेट टाइटल सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे एक टाइटल के लिए क्रिएट करवा लिया। नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले जो है वो यू स्टेट लिखेंगे यहाँ पे, यू स्टेट, और इसको हम लोग जो है वो नल कर लेंगे। तो नल करने पे क्या होगा कि हमारे पास हमारा जो टाइटल है इसको नल कर देगा। इसके बाद हम लोग जो है वो एक और स्टेट बना लेंगे जिसको हम लोग नाम दे देंगे पिक्चर, और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे सेट पिक्चर, एंड इसको भी हम लोगों ने नल कर दिया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिएक्ट नेटिव से एक पैकेज जो है वो हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मूव करेंगे, जाके लिखेंगे यहाँ पे रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। ओके, हम लोग इसको एक्सपो की जो हमारी लाइब्रेरी होगी यहाँ से हम लोग इसको जो है वो डाउनलोड करवा लेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो इमेज पिकर जो है वो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो है वो ये कमांड है, हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे, और न्यू टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे हम लोग ये कमांड एंटर करेंगे और हमारा ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपना जो है वो इस लाइब्रेरी को कॉपी कर लेंगे, इमेज पिकर की लाइब्रेरी जो है इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको टॉप पे ऐड करवा लेंगे। ऐड करवाने के बाद हमारे पास ये जो सेम कोड है हम इसको कॉपी करेंगे, ये फंक्शन हमारे पास पिक इमेज का जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली हमारी जो मोबाइल की लाइब्रेरी होगी उसके अंदर से जो है वो एक पिक्चर को या डॉक्यूमेंट को किसी भी चीज़ को उसको पिक करवा देगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक जो है वो सेट इमेज का जो है वो एक स्टेट बनाया हुआ है, तो हम लोग इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बिकॉज ये इमेज का जो ये जो स्टेट होगी ये हमारे मोबाइल के अंदर जो हमारी फिजिकल डिवाइस के अंदर जो इमेज का एड्रेस होगा ये उसको बेसिकली अपने अंदर जो है वो सेव करने के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो सेट इमेज को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पिक इमेज को जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और अपना टचेबल ओपेसिटी के ऊपर हम लोग जो है वो इसको यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे, ऑन प्रेस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जस्ट लिख लेंगे
पिक इमेज। अभी हम लोग अपना एमुलेटर जो है इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे, एक दफ़ा रीलोड करवा लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को जो है वो रीलोड करवा लिया है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे चूज़ पिक्चर पे। तो हमें हमारी जो फाइल्स हैं, जो हमारे मोबाइल के अंदर जो पिक्चर्स होंगी, लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, तो वो उनको यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करवाएगा। सिलेक्ट करने पे यहाँ पे वो मुझे इसको क्रॉप करने के लिए, जैसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कुछ वेबसाइट्स पे कुछ एप्लीकेशंस पे, हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंसोल पे आपको जो है वो उसने इसका जो फिजिकल एड्रेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, इमेज पिकर स्लैश, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपकी इमेज का जो एड्रेस है उसने यहाँ से वो आपको फाइंड आउट करके दिया। तो इसका मतलब हम लोग जो इमेज जो पिक करना चाह रहे थे वो हम लोगों ने पिक कर लिए यहाँ पे। अभी हम लोग इसको जो है वो अपलोड करने का यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक यूज लेआउट इफेक्ट क्रिएट करवा लेंगे, या यूज इफेक्ट को क्रिएट करवा लेंगे, और उस पर लिखेंगे हम लोग यूज इफेक्ट। और हम लोग ये कहेंगे कि जब भी हमारे पास जो हमारी इमेज है जिसके अंदर हम लोग अपनी फिजिकल इमेज का जो एड्रेस यहाँ पे रख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसको जो है पहले तो इंपोर्ट करवा लेंगे अपना रिएक्ट से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि जब भी हमारा इफ इमेज नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारा इमेज जो है वो नल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपलोड इमेज के नाम से हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, हम उसको जो है वो कॉल करवा लेंगे, और जैसे ही इसको कॉल करवाएंगे साथ ही हम लोग इमेज को जो है वो यहाँ पे नल कर देंगे, ताकि दोबारा से ये चीज़ जो है वो हमारे पास रिपीट ना हो सके। अभी यही सेम फंक्शन जो है वो हमारे पास अपलोड इमेज का, इसको यहाँ पे हम लोग जो है वो बना लेंगे कॉन्स अपलोड इमेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इस फंक्शन को बना के यहाँ पे हम इसके अंदर जो है वो अपना थ्री पार्ट्स में इस कोड को जो है वो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अब फायर बेस स्टोरेज पे जाएंगे, उसको पहले उसको क्रिएट करेंगे, और वहाँ पे हम लोग एक अपने पास से जो फंक्शन है वो क्रिएट करवा लेंगे। तो सबसे पहले ओके, ये हमारा जो है वो फायरबेस ओपन हो गया। फायरबेस पे हम लोग जो है वो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कहीं पे हमें जो है वो स्टोरेज का जो ऑप्शन है यहाँ पे वो डिस्प्ले करवा रहा है। तो स्टोरेज के जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग जो है वो सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इसको गेटिंग स्टार्ट कर लेंगे, और प्रोडक्शन मोड में हम लोग इसको ऑन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको डन करवा लेंगे। तो हमारे पास जो हमारी स्टोरेज है ये क्रिएट हो जाएगी। स्टोरेज के अंदर हम लोग जो है वो एक फोल्डर क्रिएट करवा लेंगे, और उस फोल्डर के अंदर हम लोग जो है वो अपनी ये पिक्चर्स वगैरह जो है वो अपलोड करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास स्टोरेज क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके रूल्स को सेट करेंगे। रूल्स में हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यूज है वो फॉल्स है, आप यहाँ पे इसको ट्रू कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसको रीड एंड राइट जो है वो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो करवा सकें। उसके बाद हम लोग फाइल्स में यहाँ पे जो है वो एक फोल्डर क्रिएट करवा लेंगे, इसको नाम हम लोग दे देंगे कैटेगरीज। ओके, तो गाइस जितने भी हमारी पिक्चर्स होंगी कैटेगरीज की, वो सारी हम लोग यहाँ पे इस फोल्डर में जो है वो अपलोड करवा देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है वो फायरबेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है फायरबेस स्टोरेज की, इसको ओपन करवा लेंगे, और यहाँ से हम लोग जो है वो एक फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेब ऑप्शन में हम लोग जो है वो अपलोड जो है वो फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट एग्जांपल होगी जिसको हम लोग जो है वो यहाँ पे, लेट्स सपोज ये हमारे पास फुल एग्जांपल है, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गेट स्टोरेज को जो है वो हम लोग अपनी जो है वो फायरबेस की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी इसके अंदर यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो ऐड करवाएंगे, गेट फायर स्टोर, इसके जगह हम लोग लिखेंगे गेट स्टोरेज फ्रॉम, यहाँ पे आप लोग जो है वो स्टोरेज को कॉल कर सकते हैं। तो हमने लिखा गेट स्टोरेज फ्रॉम फायरबेस स्टोरेज, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक स्टोरेज का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करवा लेंगे स्टोरेज, और यहाँ पे हम लोग जो है वो लिख लेंगे गेट स्टोरेज। तो हमारे पास जो हमारा स्टोरेज है ये हम लोगों ने गेट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी पे जाके यहाँ पे हम लोग कुछ फाइल्स को जो है वो इम्पोर्ट करवा लेंगे, इम्पोर्ट जो है वो ऑथ करवाएंगे सबसे पहले हम लोग, और आथ के साथ हम लोग जो है वो db भी और जो हमारी स्टोरेज है इनको भी इंपोर्ट करवा देंगे, db एंड स्टोरेज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो ये चीज़ जो है वो ऐड करवा ली, उसके बाद यही चीज़ को आपने जो है यहाँ से कॉपी करवा के अपनी इस
जो है वो लाइब्रेरी के टॉप पे जो है वो अपनी इस स्क्रीन के टॉप पे जो है वो आप लोगों ने इसको ऐड करना है, और गेट स्टोरेज को आपने रिमूव कर देना है क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी इंपोर्ट करवा लिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो कोड आप सबसे पहले हम लोग जो इमेज को कन्वर्ट करने का कोड है, यहाँ पे हम लोग ये कोड राइट कर लेंगे जो हमारी इमेज को जो है वो ब्लॉब इमेज में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ब्लॉब इमेज, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक हमने जो है वो पैरामीटर सेंड किया हुआ है इमेज यूआरएल। तो यहाँ पे इमेज यूआरएल की जगह पे आप लोग जो है वो इमेज को जो है वो ऐड करवाएंगे, क्योंकि आपकी जो पिक्चर है उसका जो सोर्स है वो आपका मेन जो सोर्स है वो सारे का सारा इमेज के अंदर हम लोगों ने सेट किया। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो इधर कॉल कर लेंगे। तो पहला जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने कंप्लीट करवा लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो मेटा को सेट करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी जो इमेज है इसको हम लोग जो है वो PNG में या JPEG में जो है वो ऐड करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो आपका मेटा डाटा है ये भी हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। थर्ड वन आपके पास जो है वो ये है कि आप लोग आप जो इमेज को अपलोड करने का कोड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इस कोड को जो है वो हम लोग नीचे तक यहाँ तक जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग अपना जो रिएक्ट नेटिव का हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम लोग इसको जो है वो ऐड करवा लेंगे। एक दफ़ा अपनी फाइल को जो है वो फॉर्मेट करवा लेंगे। फॉर्मेट करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे अपलोड का जो फंक्शन है, अपलोड टास्क, इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे स्टोरेज को कॉल किया, देन आप लोगों ने यहाँ पे इमेजेस लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरीज, ये हमारे फोल्डर का नाम है, प्लस यहाँ पे हम लोग जो है वो डेट डॉट नाउ का जो फंक्शन है वो हम लोग कॉल करवा लेंगे कि हम लोग जो इसका नाम है वो डायनामिक रखना चाहते हैं, और यहाँ पे हम लोग उसको जो है वो करवा देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अपलोड टास्क में हम लोगों ने जो है वो स्टोरेज रेफरेंस एंड देन फाइल की जगह पे आप लोग जो है वो लिखेंगे ब्लॉब इमेज जो है वो आप लोग यहाँ पे ऐड करवा देंगे। तो पहला रेफरेंस आपका जो है वो स्टोरेज का रेफरेंस है, सेकंड रेफरेंस जो है वो आप लोगों ने ब्लॉब इमेज का जो है वो जो आप लोगों ने इमेज अपलोड करनी है आपने उसको लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आप लोग जो है वो यहाँ पे मेटा डाटा जो है वो इसको यूज़ करेंगे जो आप लोगों ने ऐड किया है। जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो अपलोड होने के बाद जो है उसका जो डाउनलोडेड यूआरएल है आपके पास वो यहाँ पे डाउनलोड यूआरएल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास फायर बेस की जो है वो स्टोरेज की लाइब्रेरी है जिस जो आपके पास आपकी फाइलों को अपलोड करने के लिए हम लोग जो है बेसिकली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना बिल्कुल साथ जो है वो अपना एमुलेटर जो है इसको ऑन कर लेंगे, और इधर से हम लोग देखेंगे जो है वो कंसोल पे कि हमारे पास जो है वो हमें आउटपुट क्या शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू जो है वो यहाँ पे फूड आइटम करेंगे, और सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर जो है वो चूज़ करवा लेंगे अपनी लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पिक्चर चूज़ किया, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है रिजल्ट डॉट एसेट्स। तो सबसे पहले ये जो आपकी लाइब्रेरी है ना पिक इमेज, जहाँ पे आप लोगों ने ये जो फंक्शन कॉल किया था इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ से जो है वो इस चीज़ को रिमूव कर दें, और रिमूव करने के बाद इसको एक दफ़ा सेव करवा लें, फिर से कंसोल को ऑन करवा लें। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर को जो है वो चूज़ करेंगे। मैं यहाँ से एक पिक्चर को जो है वो चूज़ कर रहा हूँ, और चूज़ करने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे जो है वो अपलोड इज़ 0%। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया अपलोड इज 100% डन। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारी जो फाइल है वो इस यूआरएल पे जो है वो उसने अपलोड करवा दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना जो फोल्डर है कैटेगरीज का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी आपके पास एक फाइल जो है वो सक्सेसफुली हम लोगों ने अपलोड करवा ली है। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे, और ये वही फाइल है जो हम लोगों ने अभी मोबाइल से इसको अपलोड करवाया है, और इसका जो यूआरएल आपको यहाँ पे जो है वो रिटर्न हुआ है इसको बाद में आप लोग जो है वो अपना फायर स्टोर के अंदर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको कोई इमेज गेट करनी होगी तो आप लोग यहाँ से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है वो इसका जो यूआरएल है इसको फायर स्टोर के अंदर जो है वो अपडेट करवाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी सारी की सारी कैटेगरीज को जो हमारी फायर स्टोर पे और जो स्टोरेज पे जिनकी पिक्चर अपलोड है उन सबको हम लोग जो है वो रीड करवा के अपना जो है वो प्रोजेक्ट में डिस्प्ले करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।